नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गांधी उद्यान पर स्थापित भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसका हो रहा है लगातार अपमान। वीआईपी इलाका, जहां पे सारे महत्वपूर्ण नेता व अधिकारियों का आगमन रहता है, ऐसे क्षेत्र में स्थित गांधी उद्यान पर एक भव्य तिरंगे का निर्माण हुआ है। इस भव्य तिरंगे का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया था व बेहतर तरीके से इसका रखाव भी होता था। पिछले 3 साल से लगातार देख रहा हूँ कि हमारे देश का गौरव हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कभी बारिश में भीगते हुए अंधेरे में लहराते हुए, जो कि पूर्णतः गलत है। ये हमारे बरेली के सबसे वीआईपी क्षेत्र गांधी उद्यान पर एक तिरंगे का निर्माण पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसमें किया गया था। बहुत भव्य तिरंगा लगाया गया था और उसका बहुत ही अच्छे से संचालन भी हो रहा था, मगर पिछले 3 साल से जब से नई सरकार बनी है ये लोग तिरंगे का आदर उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि तिरंगा अंधेरे में फहराया जाता है और साथ ही साथ अक्सर बारिश में भी भीगता हुआ दिखाता है, जो दोनों झंडा अधिनियम के खिलाफ हैं। झंडा लगाने के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, वो लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है और वो किसी भी प्रकार से उसको पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मेरे प्रशासन से मांग है कि वहाँ पे उचित व्यवस्था कराई जाए। अगर आगे भी व्यवस्था नहीं होगी तो फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। पीस पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पास किए गए बिल का पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। उनका मानना है कि दिल से कम किसानों को दलालों से ज्यादा फायदा होगा। सर किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांग है कि सरकार बिल को तुरंत वापस ले ले। इस बारे में जानकारी देते हुए पीस पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया। मैं डॉक्टर इख्तदारुद्दीन, वरिष्ठ नेता पीस पार्टी बरेली, और हमने आज ज्ञापन दिया है पीस पार्टी की जानिब से महामहिम राज्यपाल महोदय को। लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन दिया है और हम विरोध करते हैं इसका कि ये किसान विरोधी बिल वापस लिया जाए, मजदूर विरोधी बिल वापस लिया जाए। सरकार, बड़े ताज्जुब की बात यह है कि तमाम आजकल आपके हाथ में ये मोबाइल है, आप इस मोबाइल से पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। बड़ी हैरत और अफसोस की बात यह है कि तमाम दुनिया की सरकारें अपनी राया के फेवरेबल कानून बनाती हैं, उनके पक्ष में कानून बनाती हैं, और हमारी सरकार जनता के खिलाफ कानून बना रही है। ये मजदूर विरोधी बिल वापस लिया जाए तुरंत, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। किसान विरोधी बिल वापस लिया जाए, लोग आत्महत्या करने को मजबूर है और सरकार जो है वो पूंजीपतियों का गुलाम बना देना चाहती है। उन्हीं की जमीन पे उन्हीं के किसान जो है उन्हीं के मजदूर बनकर रह जाएंगे अपनी जमीन पे। हम चाहते हैं कि उनको आज़ादी दी जाए और इस बिल की सख्त मुखालफत करते हैं, निंदा करते हैं घोर, इसे वापस लिया जाए किसान विरोधी बिल को, मजदूर विरोधी बिल को। एलएन क्लब मार्केट व्यापारियों ने पार्किंग की समस्याओं को लेकर महापौर का स्वागत किया। नगर निगम द्वारा ऐलान फिल्म मार्केट में गाड़ी खड़ी करने को लेकर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब एलएन के व्यापारियों ने महापौर उमेश गौतम से मिलकर खुद ही पार्किंग व्यवस्था कराने की बात कही है। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने व्यापारियों की बात सुनकर आश्वासन दिया। देखिए, नगर निगम का ये एलन क्लब मार्केट है, यहाँ पर हम लोगों ने टाइल लगा के इसको काफ़ी अच्छा चौड़ीकरण किया है, तो इस पर पार्किंग, क्योंकि स्थाई पार्किंग होनी चाहिए, उसका हमने बोर्ड भी लगाया था कि यहाँ पर पार्किंग है, जो भी लोग चाहें, क्योंकि काफ़ी चौड़ी जगह है, यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। लेकिन गाड़ियाँ व्यवस्थित रूप से खड़ी नहीं हो रही थी, तो नगर निगम ने ये निर्णय लिया कि इस पर हम एक पेड पार्किंग इसको कर दिया जाए, तो लोग जब पैसा देंगे तो ठीक से खड़ी भी करेंगे और कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर इसको ठीक से चलाएगा। लेकिन जब एलन क्लब के हम खासतौर से मार्केट के जो अध्यक्ष हैं और उनकी टीम मुझसे मिली, तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि अगर आप ही लोग अपना पार्किंग सिस्टम चला लेंगे तो नगर निगम अपनी पार्किंग नहीं बनाएगा। मुझे ऐसा लगता है, जैसे आज बातचीत हुई है, कि निश्चित रूप से अध्यक्ष जी अपनी टीम के साथ एक दो दिन में ही यहाँ पार्किंग की व्यवस्था शुरू कराएंगे और मंडी, ये खासतौर से जो मार्केट, ये बहुत अच्छे से और एक बरेली में एक नए रूप के साथ चलेंगे। महापौर जी हमारे आमंत्रण पर मार्केट एसोसिएशन पे, नगर निगम एलन क्लब मार्केट एसोसिएशन पर पधारे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं, बहुत अधिक उनका स्वागत करते हैं। उनसे कल भी बात हुई थी, नगर आयुक्त महोदय से ही बात हुई थी, बहुत सार्थक अधिकारियों ने भी और महापौर जी ने बहुत सार्थक बात करी, और जितनी भी बातें करी वो सब प्रभावी ढंग से करी हैं। इन्होंने
हमारे मार्केट एसोसिएशन के मतलब की बातें करी हैं, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी जो हमारे मार्केट एसोसिएशन के खिलाफ हो, उत्पीड़न वाली कोई बात नहीं करी, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे घर में बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा नगर निगम वालों, नगर निगम ने कहा कि हमारा मार्केट एसोसिएशन सहयोग करे, और हमारे मार्केट एसोसिएशन वालों ने कहा कि हम पूरा सहयोग नगर निगम का करेंगे। अरे भैया, नगर निगम का हम सहयोग करने को तैयार है, नगर निगम हमारा सहयोग करने को तैयार है, तो फिर तो हम लोग बिल्कुल एक हैं, कहीं कोई हमारा उत्पीड़न नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई। और देखिए, जहाँ तक हमारी मार्केट एसोसिएशन की और नगर निगम की बात है, वो हमारा झगड़ा हमेशा पिता पुत्र वाला रहेगा। हम लोग पुत्र हैं, ये लोग हमारे पिता हैं, ये लैंडलॉर्ड हैं, जिम्मेदार हैं, हम लोग किराएदार हैं। तो किराएदार मकान मालिक का तो हमेशा झगड़ा चलता रहेगा, और हमेशा चला है, कहाँ नहीं चलता। लेकिन कहते हैं ये लोग जो है हमारे जिम्मेदार में, ये अच्छाई है कि मान लेते हैं ये प्राइवेट जिम्मेदारों की तरह नहीं है, ये हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे सामान्य लैंडलॉर्ड भी हैं, ये हर बात मानने को तैयार हैं। अगर जायज़ बात है, किसी भी जायज़ बात को कभी कोई इनकारी महापौर जी की नहीं है, हम इनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने की पत्रकारों से बात, मौजूदा सरकार को लिया आड़े हाथों, उत्तर प्रदेश ने अपने पैर पसारने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष बंसराज दुबे आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान मौजूदा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा। उत्तर प्रदेश में आज जनता के बीच जब हमारे आम आदमी पार्टी के साथी हमारे नेता लोग जा रहे हैं, तो जनता हमारे जो दिल्ली सरकार के कार्य है अरविंद केजरीवाल जी का, जो दिल्ली का मॉडल है, उसको जनता बखूबी जान रही है। जनता ये बात जानती है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल कितने बेहतरीन हो चुके हैं, जहाँ पे 98% बच्चे पास हो रहे हैं सरकारी स्कूलों से। जनता ये बात भी जानती है कि 200 यूनिट बिजली फ्री है सर वहाँ पे आज दिल्ली में, और पानी मुफ्त चल रहा है, इलाज मुफ्त में है। लेकिन आज जब हम लोग उत्तर प्रदेश में गाँव घूम रहे हैं, तो जनता हमसे एक सवाल करती है कि जब आज हमारी थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, जब आज दरोगा SP हमारी जात को देख के कार्रवाई कर रहा है, तो हम आपके अस्पताल और स्कूलों की व्यवस्थाएं कैसे ले पाएंगे? जब हम आज इलाज हमारा जब यहाँ पे मुफ्त हम तब ले पाएंगे जब हम बचे रहेंगे? दिल्ली और प्रदेश की जनसंख्या और घनत्व देख के कैसे ये कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के जो एरिया है, आपने ठीक कहा कि दिल्ली की आबादी मात्र 2 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली का बजट कितना है, उत्तर प्रदेश का बजट कितना है, 7,000 करोड़ बजट दिल्ली का है और 3,50,000 करोड़ बजट उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली सरकार अपने बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करती है, यानी गरीब का घर का बच्चा, ठेले वाले का घर का बच्चा अगर 80 शिक्षा पाएगा तभी वो दिल्ली का विकास कर पाएगा, देश का विकास कर पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि आप मात्र 3% बजट देते हैं शिक्षा में, सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, टाट पट्टियां न जाने किस जमाने से चली आ रहे हैं, वही टाट पट्टियाँ आज है। 3% की बजट देके आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, उत्तर प्रदेश के गरीबों का भला करना चाहते हैं शिक्षा में, आप इस तरीके से ये जो मंशा है सरकार की उसको विफल करने के लिए आम आदमी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में पैर पसार रही है। समाचार प्रकाश नाथ श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट द्वारा नियमित भोजन वितरण का कार्यक्रम जारी। श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल ट्रस्ट रजिस्टर्ड के सानिध्य के पुरुषोत्तम मास में नियमित भोजन वितरण की श्रृंखला में दशम दिवस को आज मंगलवार दिनांक 29 सितंबर को प्राप्त श्री हनुमान मंदिर सिविल लाइन्स पर हुआ। 22 के साथ भी भोजन भी वितरण हुआ। ये खबर ब्लॉक शेरगढ़ नवाबगंज से, जहां आशा बहनों का कहना है कि पूरी ईमानदारी व लगन से काम करने के बावजूद उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। इसी सिलसिले में उन्होंने CMO बरेली को पत्र लिखकर अपनी परेशानी जाहिर की। उनका कहना है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी व लगन से करते हैं, उसके बाद भी योगी जी द्वारा बढ़ाया गया 750 रुपये प्रति माह पिछले 18 माह से उनके खाते में नहीं आया है, जो कि उनका अधिकार है। उनका ये भी कहना है कि वो इस सिलसिले में ब्लॉक अधिकारी से बात करते हैं, तो यही जवाब आता है कि उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं है। आशा बहनों ने पत्र में CMO साहब से अपने खाते में पैसे डालने को भी कहा। मेरा नाम रामश्री गंगवार, जिला अध्यक्ष जिला बरेली, नवाबगंज के और कई जगह की बहुत ज़्यादा शिकायत है। नवाबगंज शेरगढ़ मजगमा ब्लॉक में आशा बहनों ने मुझे कॉल की थी कि हमारा 18 महीने का जो पैसा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा बढ़ा के डाला था, तो वो आज तक हमारा पैसा नहीं मिला है।
बार बार कहने पर बार बार कागज भी जमा करा लिए हैं, जब कहने पर तो कहते हैं हमारे लिए अभी कोई प्रूफ नहीं मिला है। और इसलिए सर हम बड़ा दुखी होकर पूरी 7-18 महीने से शिकायत करते करते देखते देखते आज हमको यहाँ आना पड़ा CMO साहब के पास। हम ज्ञापन देने आए, इसके आगे हमारे पैसे पड़ जाना चाहिए और हम कार्य काम बड़ी लगन मन से करते हैं। आज तक देखिए फाइलेरिया का पैसा भी नहीं मिला है, फाइलेरिया की दवाई बांटी है। और अभी परसों कल अतरसों मीटिंग की है, उन्होंने कहा है कि ये अलवेंटाजेंट बांटो, इसके लिए भी हम लोग बांटने को तैयार हैं। अगर पैसा नहीं मिलेगा, कार्य काम नहीं होगा, तो कोई भी बहन हमारी पूरे ज़िले में कोई कार्य करने को तैयार है ही नहीं। मर गई इंसानियत मगर इंसान जिंदा है, जिस्म को नोच खाने वाला वो शैतान जिंदा है। बलात्कार ये शब्द बोलते हुए एक दर्द रिश्ता है मन के भीतर, एक चीख उठती है आत्माओं के कंदराओं में। एक स्त्री के प्रति किसी पुरुष का जबरन शारीरिक अत्याचार या इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ ऐसा कि जिस पर देर तक और दूर तक सोचने की ज़रूरत है। ना शब्द नया ना ही कृतियाँ नया, हर बार बस पीड़िता नई होती है और पशुता की सीमाओं को लांघने वाला पुरुष नया होता है। दिल दहला देने वाली ऐसी ही एक बलात्कार की घटना सामने आई। ये घटना भूलगढ़ी गांव थाना चंदपा जिला हाथरस उत्तर प्रदेश की है, जहां 14 सितंबर को कुमारी मनीषा वाल्मीकि के साथ स्थानीय 4 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। वो हत्या करने के उद्देश्य से उसकी बेरहमी से पिटाई की, रीढ़ और गर्दन की हड्डी तोड़ दी, यहाँ तक कि उसकी जुबान भी काट दी। मनीषा का इलाज जैन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में चला, जहाँ जिंदगी से जंग लड़ते हुए आज 29 सितंबर को रात में मृत्यु हो गई, जिसमें 3 दोषियों की गिरफ्तारी हुई और एक अभी भी आज़ाद है। ऐसी घटनाएँ आए दिन सामने आ रही हैं, जिसको रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार असफल सिद्ध हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया 4 दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दिलाई जाए। मेरा नाम त्रिपुरेश कुमार है, मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा का जिला अध्यक्ष बरेली बोल रहा हूँ। ये राष्ट्रीय मूल्यवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा मंच को हम समर्थन कर रहे हैं। जो हाथरस में जो घटना घटी है, गाँव जो बुलगड़ी और थाना चंदपा हाथरस जिला में, जो बहन माया मनीषा वाल्मीकि जी के साथ जो 4 सवर्ण जात के जो ठाकुर जात के लोग हैं, उन लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया और प्लस उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा दी, उनकी शरीर को मरणासन की स्थिति में बॉडी को पहुंचा दिया है, जिनकी कल दिनांक 29 तारीख को उनकी रात्रि में उनका एक्सपायर हो गई है वो बहन। 14 सितंबर की ये घटना है, उस उपलक्ष्य में उन बहन को न्याय दिलाने के उपलक्ष्य में हम बहन का समर्थन कर रहे हैं और उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिससे कि हमारी बहन को न्याय मिल सके और उनको शहर में निवास मिल सके और 1 करोड़ की धनराशि की सहायता धनराशि मिल सके, जो और इस गवर्नमेंट ने जो अत्याचार सह रही है जो बहुजन समाज के लोग, उन पर हम घोर निंदा करते हैं।